नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फर्स्ट इन्वेस्टमेंट दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से मैंने अपनी एनालिसिस करनी है एंड कौन से स्टॉक्स में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को चालीस मिनट की वीडियो पर पूरे एक्सप्लेन कर ही दिया होगा कि, कि किस तरीके से करना है एक डबल बॉटम टाइप से नारी बनाया जो कि बहुत टाइम बाद बनाए सो वट वी हैव टू डू मैं आप लोगों को एक बार निफ्टी के चार्ट पर दोबारा दिखा दूंगा ठीक है कल स्टॉक्स की बात कर लेते हैं कल कौन से स्टॉक्स परफॉर्म कर सकते हैं सबसे पहला है जुबिलेंट जुबिलेंट पे बाय करने की सलाह मैं दे रहा हूँ एज आप देख सकते हैं कि ये एक पहले रेजिस्टेंस का, का काम कर रहा था इस लेवल पे आप देख सकते हैं इस लेवल के रेजिस्टेंस को इसने यहाँ पर ब्रोक करा था ब्रेक करने के बाद ऊपर गया ऊपर जाने के बाद दोबारा आया इसने रीटेस्ट करा एंड रीटेस्ट करने के बाद अपने ये प्रीवियस हाई को ब्रेक कर चुका है प्रीवियस हाई को ब्रेक कर चुका है तो व्हाट वी हैव टू डू अभी इसके ऊपर जाएगा तो हमें बाय करना है एंड आप इसके ऊपर क्लोज कर चुका है इवेंचुअली लेवल चेक करिएगा आप जरा ठीक है ऑलमोस्ट ये 2648 पे ट्रेड कर रहा है एंड 2640 का ब्रेकआउट है तो यस वी कैन बाय दिस पर्टिकुलर स्टॉक अगर ये ट्वेंटी सिक्स के ऊपर निकलता है वी कैन बाय दिस स्टॉक ठीक है ये किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है ये अपनी एक अलग से पैटर्न को मेंटेन करने के बारे में सोच रहे हैं। मैं आपको बताता हूं किस तरीके से ये मारा, एक हल्का सा रिट्रेस लिया दोबारा हाई मारा प्रीवियस हाई को ब्रेक करा उसके बाद उसी हाई पर रीटेस्ट करा सॉरी इस लेवल पर रीटेस्ट करा रीटेस्ट करने के बाद दोबारा गया एंड अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करा ब्रेक करने के बाद ये स्टॉक दोबारा ऊपर जाके एग्जैक्ट अपने प्रीवियस हाई पर रीटेस्ट करा ये दो जगह बना था एक तो बना था अपोलो ट्यूब्स में जिसमें हम लोगों ने बहुत अच्छे से अन करा था दूसरा बना था निफ्टी के अंदर ठीक है आप लोगों को पता होगा यही दो जगह बना था अभी जब जितनी बार भी हम लोगों ने स्टडीज करी है तीसरी जगह यहां पर बन सकता है तो डू बाय दिस पर्टिकुलर स्टॉक अगर ये इसके ऊपर निकलता है टेलीग्राम्स पे आप लोगों को मैं लेवल्स प्रोवाइड करवा दूंगा नेक्स्ट स्टॉक इज एम जी -E एम ई जी एच ठीक है ये पर्टिकुलर स्टॉक बाय करेंगे यस yes. आप देख सकते हैं कि ये एक रेंज के अंदर काम कर रहा था स्टॉक बहुत टाइम से ठीक है ये एक रेंज के अंदर काम कर रहा था रेंज का ब्रेकआउट दिया ब्रेकआउट देने के बाद फर्स्ट टाइम रीटेस्ट एंड दोबारा ऊपर जाके नीचे आया सेकेंड टाइम रीटेस्ट दिया ठीक है सेकेंड टाइम रीटेस्ट देने के बाद इसने एक अच्छी खासी अपमूव दिखाई वेट अ मिनट जस्ट लेट मी शो यू ठीक है उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं हम लोगों ने एक हायर रेजिस्टेंस पे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करा ये फर्स्ट टाइम ये सेकेंड हाई एंड ये थर्ड हाई उसका ब्रेकआउट दिया एग्जैक्ट इस लेवल पे दोबारा ऊपर गया नीचे आके रीटेस्ट कर रहा है ध्यान से सुनेगा ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट नहीं कर रहा अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को रीटेस्ट कर रहा है ठीक है और वहां से एक अपमूव दे चुका है राइट right नाउ ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 81.50 पे आप 81.80 के ऊपर से बाय कर सकते हैं ठीक है ये स्टॉक हमारे लिए बाय लिस्ट में है सेकेंड स्टॉक इज आईसीआई बैंक आईसीआईसी बैंक भी बाय करने के लिए दिया जा रहा है आप लोगों को प्रॉबली आप देख सकते हैं सिमिलर टाइप ऑफ सिचुएशन इसके अंदर भी हुई है ये देख सकते हैं इस पर्टिकुलर लेवल से ऊपर गया ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था इधर इसने फर्स्ट टाइम रीटेस्ट सेकंड टाइम रीटेस्ट इवेंचुअली ब्रेकआउट दे दिया ब्रेकआउट देने के बाद मैं अगर इस चार्ट को जूम करता हूं थोड़ा सा आप या इधर देख सकते हैं ब्रेकआउट देने के बाद यहां पर ऊपर गया रीटेस्ट करा एंड दोबारा अपने प्रीवियस हाई को इसने ब्रेक कर दिया यस yes, 510 का इसका प्रीवियस हाई था उसको ब्रेक कर चुका है अगर मैं आप लोगों को ट्रेंड लाइन के हिसाब से दिखाता हूं जस्ट वेट अ सेकेंड यस ये देखिए ये प्रीवियस था जो कि 512 के आसपास बन रहा था इसको ब्रेकआउट दे चुका है वी कैन बाय दिस पर्टिकुलर स्टॉक आईसीआईसी बैंक ये 516 के ऊपर जाता है तो बाय कर सकते हैं अगर हम लोग 512 के पास आके पांच या पंद्रह मिनट के टाइम फ्रेम पे रिवर्सल दिखाता है तो हम लोग बाय कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट स्टॉक इज टाइटन टाइटन प्रॉब्लली में अगर आप लोग अर्ली चार्ट पे दिखाऊंगा तो वहां पर हम लोग वो अच्छे से विजिबल हो जाएगा बट यहां पर भी आप देख सकते हैं या yeah, एक स्ट्रॉन्ग अपमूव आई देखिए एक स्ट्रॉ अपमूव आई स्ट्रॉग अपमूव आने के बाद फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कम से कम छह ट्रेडिंग सेशन ये हॉल्ट करा है एंड उसका ब्रेकआउट उसने कल के ट्रेडिंग सेशन पे दिया था मतलब फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन पे ठीक है ऑलमोस्ट अभी ट्रेड कर रहा है 1442 के आसपास 1445 के ऊपर हम लोग एक बाई इनिशिएट कर सकते हैं अगर गैप अप ओपन होता है तो ध्यान से ट्रेड करिएगा कोई भी स्टॉक्स पे अगर इसी लेवल या एक दो रुपए के आसपास खुलता है तो हम लोग देख सकते हैं ठीक है लास्ट स्टॉक जो आता है वो आता है प्रोबेबली स्टार पेपर सारे आप लोगों को रीटेस्ट वाले स्टॉक ही बताए गए हैं ठीक है तो एक बार स्टार पेपर को भी चेक कर लेते हैं वो भी प्रोबेबली एक रीटेस्ट वाला ही स्टॉक है ठीक है या आप यहां देख सकते हैं ये एक रेंज के अंदर काम कर रहा था ठीक है इस रेंज का ब्रेकआउट इसने एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ यहां पर दिया था अगर मैं थोड़ा सा जूम करके आप लोगों को दिखाता हूं येस आप देख सकते हैं इस रेंज का ब्रेकआउट इसने यहां पर दिया एक बार आकर रीटेस्ट कर रहा है रीटेस्ट करने के बाद दोबारा ऊपर जा रहा है ध्यान से देखिएगा दोबारा ऊपर जा रहा है रीटेस्ट करने के बाद सो इट्स अ बाय ठीक है uh, अभी राइट ऑन ट्रेडिंग एट सिक्स वन जीरो सिक्स पॉइंट फोर्टी आप वन जीरो सिक्स पॉइंट सेवनटी सेवेंटी फाइव के ऊपर जाके बाय कर सकते हैं ठीक है जो प्रॉब्लली टारगेट आ सकता है वन जीरो फाइव वन जीरो नाइन तक का आ सकता है ठीक है ये स्टॉक्स के जितने भी टारगेट्स हैं किस लेवल पे आपको बाय टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे सुबह साढ़े आठ बजे तक आप वहां के थ्रू ट्रेड ले सकते हैं अगर आपको लेना हो ठीक है एक बार निफ्टी देख लेते हैं फिफ्टीन मिनट्स के टाइम फ्रेम पर दिखा देता हूं वरना ऑलरेडी मैंने पूरी डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है कि जितनी भी वीडियोज आई थी स्टॉक मार्केट क्रैश के ऊपर उस लोगों को किस तरीके से आपको इग्नोर करना है और किस तरीके से मार्केट पर ट्रेड करना है फिफ्टीन मिनट्स के टाइम फ्रेम पर चलते हैं या yeah. आप देख सकते हैं कि एक बार प्रीवियसली इस जगह से अगर आप रैली से स्टार्ट करते हैं एक बार भी डबल बॉटम टाइप सिनेरियो नहीं बना है अब आप लोग के माइंड में यह बात आ रही होगी कि डबल बॉटम है तो एक बाय बनता है बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है स्टॉक की साइकोलॉजी को अगर आप लोग समझोगे ना तो आप लोगों को पता चलेगा कि डबल बॉटम भी बनना एक ट्रेंड रिवर्सल माना जाता है तो यस आप यहां देख सकते हो एक यहां पर ट्रिपल बॉटम टाइप सीनारियो बना है तो ये लेवल एक इंपॉर्टेंट हो गया अभी तक यहां पर कोई भी लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल नहीं था किस लेवल से ऑलमोस्ट अगर मैं थोड़ा सा इसे ऊपर करता हूं यस अराउंड ट्वेल्व थाउजेंड एट हंड्रेड रुपीज से कोई भी लेवल इंपॉर्टेंट लेवल नहीं था ठीक है क्योंकि मार्केट हायर हाइज हायर लोज बना रहा था बट इवेंचुअली अब आप देख सकते हैं एक ट्रिपल बॉटम टाइप सिनारियो बनाया तो विच इज थर्टीन थाउजेंड फोर हंड्रेड रुपीज का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर थर्टीन थाउजेंड फोर हंड्रेड रुपीज टूटता है गाइज तो शॉर्ट ठीक है जो भी बन रही थी माइनर करेक्शन हम लोगों को बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है ठीक है तो अगर ये 13,560 को ब्रेक करता है हम लोग बाय जा सकते हैं 13,400 को ब्रेक करता है तो हम लोग शॉर्ट जा सकते हैं इस रेंज के अंदर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा ये तीन मैंने लाइंस बना रखी हैं अपने चार्ट जाके बनाइएगा एंड डेफिनेटली अगर आप लोगों को इस रेंज के नीचे या ऊपर साइड मिलता है आप इस रेंज के अंदर भी ट्रेड कर सकते हैं बैंक निफ्टी का भी सेम सिनेरियो है या बैंक निफ्टी एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूं बैंक निफ्टी को चेक करते हैं एक बार यस बैंक निफ्टी को भी आप देख सकते हैं यह एक रेंज है ये लोअर साइड की जो रेंज है इज़ इज़ अपर साइड की जो रेंज रेंज है, 30, 800. इस के अंदर स्टॉक ट्रेड कर रहा है तो व्हाट यू हैव टू डू एक ब्लू कलर की लाइन बनाई हुई है मैं इसको ना जरा ब्लैक कर देता हूं तो आपके लिए बिल्कुल कंसिस्टेंट हो जाए ठीक है जस्ट वेट है यस ये इसको मैं ब्लैक कलर की लाइन कर देता हूं या yeah. ठीक है अब इस ब्लैक लाइन को अगर ये नीचे ब्रेक करता है विच इज थर्टी थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो आपको दो सौ पॉइंट्स के टारगेट आराम से मिल सकते हैं विच इज थर्टी थाउजेंड थ्री हंड्रेड और अगर इस ब्लैक लाइन के ऊपर है येस यू कैन गो फॉर अ बाय फॉर अब टारगेट ऑफ थर्टी थाउजेंड एट हंड्रेड एक छोटी सी ट्रेंड लाइन में और बना देता हूं विच इज दिस ठीक है इस लाइन को ब्रेक करता है तो आप लोग बाय कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ थर्टी थाउजेंड एट हंड्रेड इस लाइन को ब्रेक करता है फॉर अ टारगेट ऑफ थर्टी थाउजेंड थ्री हंड्रेड ठीक है बट अगर अपर साइड और लोअर साइड के रेंज को ब्रेक करेगा तो आप लोगों को अपने टारगेट्स आप सपोर्ट और रिजिस्टेंस के थ्रू फाइंड कर सकते हो ठीक है तो बेसिकली यही थी एनालिसिस एंड मैं डिस्क्रिप्शन पे नीचे एक लिंक डाल दूंगा या फिर वीडियो एंड हो गई है आपको यहां पर एक वीडियो शो कर रही होगी इस वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत फन टॉपिक है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट भी है तो समझना जरूरी है वीडियो को देखेंगे चालीस मिनट की है बट अगर आप देखेंगे ना आप बिल्कुल भी बीच में इसको स्किप नहीं करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है ठीक है गो एंड चेक